परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव संबंधों में स्वस्थ आकर्षण स्वाभाविक है, पर मानसिक तल पर किसी संबंध में एक तरफा कुत्सित आकर्षण जो सामाजिक दायरों संस्कारों के विपरीत है और जो स्वयं को भी अमान्य हो, फिर भी ये आकर्षण समझ से परे हो, इस आकर्षण का एहसास भले किसी को ना हो पर वो स्वयं के मन को विचलित और ग्लानि से भरता ही है, ये कैसा आकर्षण है और क्यों होता है? गुरुदेव कुछ कहें। परमवीर जी, मन में तमाम वृत्तियां डोलती हैं, कुत्सित आकर्षण और कुत्संग, जैसे सत्संग होता है ऐसे ही कुत्संग भी होता है, जैसे स्वस्थ आकर्षण होता है ऐसे ही कुत्सित आकर्षण भी होता है। पहली बात, व्यक्ति को अचानक निंदा से नहीं भरना चाहिए कि क्या कुत्सित है और क्या नहीं है, क्या स्वस्थ है क्या स्वस्थ नहीं है, सामाजिक दायरों में क्या मान्य है और क्या अमान्य है, ये अलग विषय है। हम समाज में रहते हैं तो समाज का ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन स्वस्थ आकर्षण किसको कहेंगे? प्रश्न ये, स्वस्थ आकर्षण तो उसी को कहेंगे जो जीवन को विकसित करने वाला हो, जीवन को दिशा देने वाला हो, जीवन को ऊपर उठाने वाला हो। बस इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि जीवन में तमाम मनोभाव उठते गिरते रहते हैं, ग्लानि आत्मग्लानि निंदा, इनको लाने से पहले हमको उन सारे मनोभावों को गौर से देखने की ज़रूरत है। होता क्या है कि निंदा आत्मग्लानि पश्चाताप अपराध बोध, ये सब ऐसे भावों के भोजन होते हैं। अक्सर समाज में देखा जाएगा कि जो लोग जिस बात की ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं वही काम बार बार करते हैं, जिन गलतियों के लिए लोग पश्चाताप करते हैं वही गलतियां बार बार करते हैं, क्योंकि ये पश्चाताप ये ग्लानि एक किस्म का भोजन है और छद्म संतोष है, स्यूडो सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है ग्लानि तो आई ना हमारे अंदर। तमाम भाव उठ सकते हैं, उनको तटस्थ होकर पहले देखें, तटस्थ होकर जितना उन भावों को देखेंगे उनसे जो अंतर्दृष्टि आएगी वो विकसित करेगी। और जैसा कि लिखा है, भले ही किसी को उसका एहसास ना हो, नहीं होता एहसास, कभी कभी ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने किसी प्रियजन के पास बैठे हैं और अचानक उनका मन करता है कि बस उठा के ये इसके सिर पे दे मारें, लेकिन दे नहीं मारते, सभ्य हैं, कल्चर्ड हैं, संबंध भी ठीक है, लेकिन अंदर टूट गया था भाव, फिर वो उससे बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें भी पश्चाताप से भर जाते हैं, लेकिन गुजर जाती हैं तमाम चीज़ें, जीवन में तमाम कुछ चीज़ें गुजरती हैं, उनके निर्माता व्यक्ति स्वयं नहीं होता, उनको निर्मित करने वाला वो स्वयं नहीं होता, तमाम परिस्थितियों प्रसंगों इमोशनल मेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि मानसिक भावनात्मक संयोगों से कुछ मनोभाव व्यक्ति के भीतर पैदा होते हैं। ज़्यादातर मनोभाव गुजर जाते हैं, टिकते नहीं, तो जो गुजर जाते हैं उनको गुजर जाने देना चाहिए। अच्छे और बुरे के टैग से उनको पकड़ना नहीं चाहिए, हम अगर पकड़ेंगे तो वो रुक जाएंगे। कुत्सित आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि स्वस्थ आकर्षण होता है। अगर कल्पना करो जीवन में कुत्सित आकर्षण ना हो तो कैसे पता चलेगा स्वस्थ आकर्षण भी होता है? जीवन में कुत्संग ना हो
तो कैसे पता चलेगा कि सत्संग भी होता है? बीमारी ना होती जीवन में तो ये भी कहाँ पता चलता है कि स्वास्थ्य भी होता है? तो वो आकर्षण जो हमको नीचे खींचने वाले होते हैं वो इसलिए ही जीवन में आते हैं लोगों के, कि वैसे आकर्षण भी आएं और उनको भी जगह दी जा सके जो जीवन को ऊपर खींचने वाले, तभी पता चलता है, तभी पता चलता है कि ऊपर उठना क्या होता है, नीचे गिरना क्या होता है। इसलिए अपराध बोध की जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर समझ और विवेक और अंतर्दृष्टि की जरूरत है। कोई अपराध बोध, कोई ग्लानि नहीं। मैंने हमेशा एक बात कही और ये उदाहरण बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल सा मैं हमेशा देता हूँ कि तुम अपने व्हीकल से जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, रास्ते पे जाना चाहिए क्योंकि ड्राइव के लिए रास्ता बना है, ठीक है, लेकिन कभी किसी वजह से, किसी दबाव, कोई मुड़ने की जगह नहीं थी वो दबाव, या अनजाने में या थोड़ी गफलत में हम रास्ते से नीचे उतर जाते हैं, कभी हमारी गाड़ी किसी कीचड़ में चली जाती है, लेकिन जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा व्हीकल रास्ते से गया था, उतर गया था, कीचड़ में गया था, हम उसको थोड़ी देर में फिर सड़क पर ले आते हैं, मुख्य सड़क पर, और चले जाते हैं। कीचड़ में वाहन सन गया था तो उसको वॉश करवा लेते हैं ठीक से जाके, मुद्दा ख़त्म। फिर हम बैठ कर इसका स्यापा नहीं करते कि कैसे हमारा व्हीकल कीचड़ में गया था, क्या हुआ था हमको, क्यों मेरी मति मारी गई थी, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यों ऐसा हुआ, हम इस बात पर सोचते नहीं। कोई भी ड्राइव करने वाला व्यक्ति सोचता नहीं, अगर वो सोचे तो उसके विक्षिप्त होने की पूरी गारंटी है, लेकिन उसके डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में है, क्योंकि होता है ऐसा, जा रहे थे, मुड़ गए, इधर उधर हो गया, इवन कभी एक्सीडेंट भी हो गया, इधर उधर टकरा गए, तो उसके उसमें भी ज़रूरी नहीं गलती किसी को हो, बिना गलती के भी हो सकता है। तो इसी तरह से अपने मनोभावों को भी एक व्हीकल की तरह देखना चाहिए। कभी कभी वो कीचड़ में उतर जाते हैं, फिर तुम ट्रैक पर उनको ले आते हो, फिर उनको धूल पोछ के व्हीकल को साफ कर लेते हो, लेकिन उसकी कोई ग्लानि नहीं, गई बात ख़त्म हो गई। जिसने कीचड़ में सना हुआ अपना व्हीकल देखा है वही उस धुले हुए व्हीकल को भी समझ पाता है कितना साफ सुथरा क्या होता है। तो इस मामले में ये जो जिनको हम अच्छी चीज़ें नहीं समझते हैं वो अपनी अच्छी भूमिका निभाती हैं, नहीं तो कैसे समझ में आता? बुराई ना होती तो अच्छाई भी कैसे समझ में आती? इसलिए वो आती हैं और चली जाती हैं, उनसे मानसिक लगाव, अटकाव नहीं बनाना है, चाहे आकर्षण के रूप में, चाहे विकर्षण के रूप में, चाहे लगाव के रूप में, चाहे ग्लानि के रूप में, हमको उनसे अटैच नहीं करना है अपने अंतर्मन को। और फिर थोड़े बहुत अंतर से जो गाड़ी है वो ठीक ठीक सड़क पर चलती ही चली जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं।